अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं आपका मिस्टर बल्थी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं जा रहा हूं गाइस स्कर्दू। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 6 ईयर्स बाद मैं अपने जो है ना गांव गिलगित बल्तिस्तान जा रहा हूं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत मनाजिर। और अभी इस वक्त बज चुके हैं तकरीबन 7 बजे और हम यहाँ रावलपिंडी से निकल रहे हैं स्कर्दू के लिए। तो स्कर्दू के खूबसूरत मनाजिर, स्कर्दू के खूबसूरत रोड आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो गाइस ये है हमारी गाड़ी, इस गाड़ी में जा रहे हैं हम स्कर्दू के लिए, रवाना हो रहे हैं इसमें। गाइस इस टनल पे आके ओवर स्पीड की वजह से हमारी गाड़ी रोक ली इस भाई ने, पुलिस वाले भाई ने, और हमें जुर्माना ठोक दिया 5,500 का। तो अभी हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे जुर्माने को माफ़ कर दें या कम कर दें, लेकिन ये मानने के लिए बिल्कुल भी नहीं तैयार। और ये आप खूबसूरती चेक कर सकते हैं यहाँ की, ये देखें। हम पहुंचे हैं गाइस बालाकोट में, और बालाकोट में हम यहां पे नाश्ते के लिए उतरे हैं। बालाकोट के खूबसूरत मंजर ये देखिए, ये है जी वो रेस्टोरेंट जहां पे हम नाश्ते के लिए रुके हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं यहां पे, और ख़ूबसूरत जो है ना बालाकोट के मनाजिर ये देखे आए हैं, क्या खूबसूरत मंजर है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया है जी नाश्ता। गाइस हम पहुंचे हैं अभी तक, ये देखें कागान पहुंच चुके हैं। तो कागान के खूबसूरत मनाजर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें क्या खूबसूरत मंजर है, ये देखें गाइस। और सबसे बड़ी खूबसूरती मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है जी ये देखें, ये देखें गाइस, ये देखें, हाय हाय क्या खूबसूरत है, देखिए उफ, हर तरफ सब हरियाली और नीचे पानी, आया है क्या कहने। ये यहाँ पे हुड्स टाइप जो है ना इन्होंने फैमिलीज के लिए बनाया हुआ है खाने पीने की जगह। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं बाबर से टॉप पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी रश है। और ये हम है जी बाबर से टॉप, और बाबर से टॉप के खूबसूरत मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। सर से उतरने के बाद हम इस जगह पे चाय पीने के लिए उतरे हैं, और ये जगह आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये खूबसूरत जगह है। बाबू सर उतरने के फौरन बाद ही ये जगह आती है, और यहाँ पे हमने चाय पी है। अब हमारी गाड़ी तैयार है, हम स्कर्दू के लिए रवाना हो रहे हैं, और हम पहुँचे हैं जुगलोड में, ये आप देख सकते हैं। तो ये है जी जुगलोड, यहाँ पर हमने थोड़ा सा स्टे किया क्योंकि अभी हमें खबर आई है कि कॉल आई है कि आगे रास्ता ब्लॉक है, तो आगे जो है ना आप नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टे किया है। फर्दर वहाँ से किसी की कॉल आने तक, कंफर्म होने तक हम यहाँ पे वेट करेंगे, खाना शाना खाएंगे और फिर देखते हैं उसके बाद क्या बनता है। फाइनली गाइस सुबह हम उठे हैं जाने के लिए, तो होपफुली हमारे पहुँचने तक उधर रास्ता ओपन हो जाएगा।
तो अभी हम अपने जो है लास्ट नाइट यहाँ पे स्टे किया था, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम अभी निकल रहे हैं और ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत मंजर है। मैं अभी नाश्ता ऑर्डर किया है, इधर से नाश्ता करूँगा, नाश्ता करने के बाद यहाँ से निकलूँगा स्कर्दू के लिए। इधर से स्कर्दू जो है 6 घंटे का रास्ता है, इंशाल्लाह अगर रास्ता जो है वहाँ पे ब्लॉक ना हुआ तो हम 6 घंटे में स्कर्दू पहुँच जाएंगे और आप लोगों को दिखाऊँगा स्कर्दू के खूबसूरत मनाजिर। अभी इधर से नाश्ता करके हम यहाँ से निकलेंगे। तो ये बहुत ही जोगलोड में खूबसूरत जगह इन्होंने बनाया हुआ है, अगर आप लोग कभी आना चाहें यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे रहने के लिए गेस्ट हाउस भी है और खूबसूरत जगह यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। हम जुगलोड से निकले थे लेकिन यहाँ पे रास्ता जो है ब्लॉक है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, ये देखें, और रास्ता ब्लॉक है, दोनों तरफ से जो है ना खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो ऊपर से जो है ना पत्थर भी आ रहे हैं, ये देखें, ये देखें। तो रास्ता हमारा ओपन हो गया है, अब हम रवाना हो रहे हैं स्कर्दू के लिए और स्कर्दू के खूबसूरत मनाजिर और सड़कें मिस्टर बल्टी आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत पहाड़। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं स्कर्दू, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत अच्छा रहा, अब मैं घर पहुंच गया हूं और अभी तो ये मेरी शुरुआत है। बाकी स्कर्दू के खूबसूरत खूबसूरत बहुत सारे मनाजिर मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।